Hello, good morning my dear students. I am your English teacher Mohammad Zameer. Yesterday we saw a very nice horror story and a comedy story on page number 45 and 46 of your My English Book 7. And today we will proceed to its exercise on page number 47. Hello students, kal humne teeny tiny ye kahani dekhe. Aaj hum पेज नंबर 47 के ऊपर इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज हल करेंगे. चलिए सबसे पहले पेज नंबर 47 पे क्या दिखता है हमको, इंग्लिश वर्कशॉप, अंग्रेजी की वर्कशॉप यानी के क्वेश्चन आंसर्स हमको करना है. नंबर वन, डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमन्स हाउस यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन. कहानी में जो टीनी टाइनी औरत का घर आपको उसके जो डिटेल्स दिए गए हैं उसकी मदद से और ख़ुद के इमेजिनेशन से तसव्वुर में आपके ख्याल में कैसा घर है वो आपको डिस्क्राइब करना है. चलिए आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके बुक में नहीं है ये, आप अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए. आंसर, इट वाज अ टीनी टाइनी हाउस, एक टीनी टाइनी हाउस था. देयर वाज अ टीनी टाइनी गेट टू एंटर द हाउस, हाउस में एंटर करने के लिए एक टीनी टाइनी गेट था. There were teeny tiny stairs in the house. वहाँ पर teeny tiny stairs थे. इसके बाद the rooms and all the things in the house were teeny tiny. उस घर में जितने भी कमरे थे और जो भी सामान था सब teeny tiny था. The name of the house was a teeny tiny house. और उस house का घर का नाम था teeny tiny house. इस तरीके से हमने छोटा सा description किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं question number 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स. मंजरजैल जुमले पढ़िए और खाली जगह भरिए. किताब की मदद से हमको भरना है, मैंने यहाँ पे फिलअप किया है, आप भी अपने बुक में फिलअप कीजिए और उसको नोटबुक में लिख लीजिए. द टीनी टाइनी वुमन लिव्ड इन अ टीनी टाइनी, यहाँ पे हम हाउस फिलअप करेंगे. इसके बाद द टीनी टाइनी वुमन वेंट आउट टू टेक अ टीनी टाइनी वॉक भरेंगे हम यहाँ पे. द टीनी टाइनी वुमन वेंट इन टू अ टीनी टाइनी चर्च यार्ड. द टीनी टाइनी वुमन फाउंड अ टीनी टाइनी बोन ऑन अ टीनी टाइनी ग्रेव. द टीनी टाइनी वुमन पुट द टीनी टाइनी बोन इन टू हर टीनी टाइनी पॉकेट, फिलअप करना है हमको यहाँ पे. द टीनी टाइनी वुमन वेंट होम एंड पुट द टीनी टाइनी बोन इन टू अ टीनी टाइनी कबर्ड, यहाँ पर बोन यहाँ पर कबर्ड. उसके बाद द टीनी टाइनी वुमन वॉज अवेकन्ड बाई अ टीनी टाइनी वॉइस फ्रॉम द टीनी टाइनी कबर्ड, यहाँ पर वॉइस यहाँ पर कबर्ड हमको भरना है. उसके बाद द टीनी टाइनी वुमन वॉज अ टीनी टाइनी बिट फ्राइटन्ड, ये हमको भरना है यहाँ पर. और द टीनी टाइनी वुमन सेड इन हर लाउडेस्ट टीनी टाइनी वॉइस, यहाँ पे लाउडेस्ट फिलअप करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में द वर्ड टीनी टाइनी इज अ कंपाउंड वर्ड, दैट इज अ वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स. टीनी टाइनी वर्ड ये एक कंपाउंड वर्ड है, यानी कि दो अल्फाज को जोड़कर बनाया हुआ लफ्ज है. वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी आर मोस्ट यूज इन इनफॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल लैंग्वेज जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसे अल्फाज बहुत मरतबा इस्तेमाल होते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते. चिल्ड्रन स्टोरी एंड सॉन्ग्स फोक टेल्स एट्सेट्रा, तो ये बच्चों की कहानियों में गीतों में फोक टेल्स में इनका इस्तेमाल होता है. राइट अदर वर्ड्स लाइक टीनी टाइनी, टीनी टाइनी के जैसे दूसरे अल्फाज लिखिए. तो यहाँ पर ब्लैंक्स से हमने भर लिए, इंसी विंसी, टिक टॉक, फ्लिप फ्लैप, हिकरी डिकरी, चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, बाओ वाओ, इस तरीके से आपको फिलअप करना है. चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. यूज द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स यू हैव मेड इन द एक्टिविटी ऑन पेज 44. पेज नंबर 44 पे हमने एडजेक्टिव्स की कुछ लिस्ट बनाए थे. सी इफ यू कैन राइट फनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग वन और मोर ऑफ दिस एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल,
उनकी मदद से आप मजाहिया या बामानी जुमले बना सकते हैं क्या। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दो जुमले दिए गए हैं। नंबर एक, अ बिग रेड एंट फाउंड अ बिग रेड ग्रेन ऑफ कॉर्न इन अ बिग रेड हाउस। दूसरा है, द लिटिल सिल्वर फेरी कट द लिटिल सिल्वर पेपर विद लिटिल सिल्वर सीजर्स। इस तरीके से हमने दो बनाए हैं, आप ये लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अ बिग फैट बॉय फाउंड अ बिग फैट शीप नियर अ बिग फैट मैन। दूसरा, एन ओल्ड सिंपल मैन पुट एन ओल्ड सिंपल डिश इन एन ओल्ड सिंपल हट। चलिए इस तरीके से नंबर फोर क्वेश्चन हो गया। नंबर फाइव, थिंक ऑफ अ रिपीटेटिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमन फ्रॉम योर मदर टंग। अपनी मादरी जुबान में कोई बुढ़िया की जो कहानी है उसके बारे में सोचिए। ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, उसका उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए, या आप अपने तौर पे करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स। डिस्कस एंड राइट ब्रीफली व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट। आपको डिस्कस करना है आपस में और शॉर्ट में उसको लिखना है कि अगर आपको सड़क पर कोई चीज़ मिलती है आपको क्या करना चाहिए। आंसर यहाँ पे हमने डाले, व्हेन आई फाइंड एनीथिंग इन द स्ट्रीट और एनीवेयर एल्स आई डोंट टच इट। मुझे अगर कोई चीज़ मिलती है सड़क पर या कहीं पर भी, मैं उसे टच नहीं करता। आई लेट इट वेयर इट इज़, हम उसको जो है वहीं रहने देते हैं जहाँ वो है। बिकॉज अ पर्सन हु लॉस्ट दैट थिंग माइट कम बैक टू फाइंड इट, क्योंकि हो सकता है जिस शख्स ने उस चीज़ को खोया है या जिसकी वो चीज़ गुम हो गई है वो वापस आए। If you let it where it was, the person who lost it might find his valuable thing easily. अगर हम वो चीज़ को वहीं रहने दें जहाँ पर हमको मिली, तो जो शख्स ढूंढने के लिए आएगा वो उसको हो सकता है आसानी से उसकी वो कीमती चीज़ उसे मिल जाए। और लास्ट क्वेश्चन, what could have happened when the old woman said take it? जब ओल्ड वुमन ने टेक इट कहा तब क्या हुआ होगा, क्या हो सकता था। द बोन मस्ट हैव कम आउट ऑफ द कबर्ड एंड माइट हैव फ्लोन टू द ग्रेव, हो सकता है वह हड्डी उस अलमारी से बाहर निकल आई हो और वापस ग्रेव में खबर में चली गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके एक्सरसाइज हल किए हैं। आप लोग इसको बुक में फिलअप कीजिए और अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने कॉन्टैक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स है उनको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हमने अभी फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ का तकरीबन फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म कर लिया है और हम इसको जो है सेकंड टर्म का सिलेबस भी कंटिन्यू करने वाले हैं, और साथ में हम फिफ्थ और एट्थ क्लास के सिलेबस भी जो है अब इस हफ्ते से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने के लिए अपने फ्रेंड्स से कहिए। थैंक यू वेरी मच।